उमेश, घर परिवार और संतानों के मामले में आज आपको आनंद और संतोष की भावना का अनुभव होगा। आज आप सगे संबंधी और मित्रों से घिरे रहेंगे। व्यापार धंधे के संबंध में प्रवास होगा और उसमें लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। वृषभ, व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है। वे नए आयोजनों को हाथ में ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। विदेश में रहने वाले मित्रों या स्वजनों का समाचार आपको भाव विभोर करेगा। लंबी दूरी की यात्रा का योग है। तीर्थ यात्रा की मुलाकात भी संभव हो सकेगी। मिथुन, बेकाबू क्रोध पर लगाम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। बदनामी और निषेधात्मक विचारों से दूर रहना हितकर रहेगा। अत्यधिक खर्च से आर्थिक तंगी अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्य और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव या विवाद से प्रसंग बनेंगे, जिसके कारण मन खून बनेगा। कर्क, आज का दिन सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मौज शौक के साधन, उत्तम आभूषण और वाहन की खरीदारी करेंगे। मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में समय व्यतीत होगा। इसके साथ ही विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ की रोमांचक मुलाकात से सुख अनुभव करेंगे। सिंह, गणेश जी कहते हैं कि उदासीन वृत्ति और संदेह के बादल का आपके मन पर घिरे होने से मानसिक राहत नहीं अनुभव करेंगे। फिर भी घर में शांति का वातावरण होगा। दैनिक कार्यों में थोड़ा अवरोध आएगा। आर्थिक परिश्रम करने के बाद अधिकारियों के साथ वाद विवाद भी ना पड़े। कन्या, आज के दिन आपको किसी न किसी कारण से मन में चिंता रहेगी। विशेष रूप से संतानों और स्वास्थ्य के बारे में आप अधिक चिंतित होंगे। पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में कठिनाइयां आएंगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। तुला, गणेश जी कहते हैं कि आज आप अत्यधिक भावनाशील बनेंगे और उसके कारण मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। माता जी के साथ संबंध बिगड़ेंगे अथवा माता जी के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता होगी। यात्रा के लिए वर्तमान समय अनुकूल नहीं है। वृश्चिक, कार्य सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा दिन है। नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। भाई बंधुओं का व्यवहार आज अधिक सहयोगपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर सकेंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन होने से मन आनंद का अनुभव करेगा। लघु यात्रा होगी। धनु, दुविधा युक्त मनहा स्थिति और उलझे हुए पारिवारिक वातावरण के कारण आप परेशानी अनुभव करेंगे। निरर्थक धन खर्च होगा। विलंब से कार्य पूरा होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेना हितकर नहीं है, ऐसा गणेश जी बताते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ गलत फहमी डालने का प्रवास करना पड़ेगा। मकर, गणेश जी के आशीर्वाद से आज निर्धारित कार्य सरलता पूर्वक पूरे होंगे। ऑफिस या व्यवसायिक स्थान पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। गृह जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ की मुलाकात से खुशी का वातावरण रहेगा। कुंभ, गणेश जी आज किसी का जमानती न होने तथा पैसे के लेन देन न करने की सलाह देते हैं। खर्च में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतरने का अवसर आएगा। किसी के साथ गलत फहमी होने से झगड़ा होगा। क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। मीन, गणेश जी बताते हैं कि आज आपके लिए लाभदायक दिन है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आय वृद्धि होगी। बुजुर्ग वर्ग और मित्रों की तरफ से आपको कुछ लाभ होगा। नए मित्र बनेंगे जिनकी मित्रता भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। मांगलिक अवसरों में जाना होगा।